घड़ी और कंबल वितरण जब्त करके की गई सील की कार्यवाही। मध्य प्रदेश में चुनाव के ऐलान के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू हो गई। लागू होने के बाद मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी प्रत्याशी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीधी जिले की सीधी विधानसभा में सांसद रीति पाठक को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद महिलाओं को घड़ी और कंबल का वितरण कर उन्हें लुभाने का प्रयास लगातार किया जा रहा था, जिसकी सूचना विपक्ष द्वारा विरोध दर्ज कराने के बाद जमुई पुलिस ने कार्यवाही की, जिसमें 56 घड़ी बरामद करके सांसद रीति पाठक के हाउसिंग बोर्ड में स्थित आर्य पैरा मेडिकल एंड साइंस कॉलेज में रखी हुई सामग्री को जब्त कर लिया। वहीं रात होने के कारण तहसीलदार के साथ नगर निरीक्षक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समक्ष इसे सील कर दिया गया है।